वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने बात की थी पिछले वाले वीडियो में कि पंडित यशोधर पंत जो थे, उनकी वाइफ, उनकी पत्नी जो उनके समान ही पुराने ख्यालात की होते हुए भी बच्चों के कारण वह बदल जाती है और आधुनिक परिवेश में वह ढल जाती है। और उसका कारण एक ये भी बताया गया है कि जब वो अपने संयुक्त परिवार में रही थी तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को दबा हुआ उन्होंने महसूस किया था। उन्होंने वही घर गृहस्थी के जितने भी काम सामान्यतया महिलाएं करती है वो उनमें काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रही और इसी कारण अब वो मॉडर्न बनना चाहती हैं। और इसी को हमने पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा था। अब आगे हम बढ़ते हैं कि और क्या क्या बातें करती हैं। वो कहते हैं कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया, मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं, मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो, अर्थात सुविधा अनुसार ही मैं आपकी बातों को मानूंगी, ये उनकी पत्नी उनसे कह देती है। अब मेरे कहने से वह सब ढोक ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। इस प्रकार वह पति को अपना जवाब दे देती है। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है तो यशोधर बाबू शानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुंह मुहा से लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। एक बात का अफसोस यशोधर बाबू को हमेशा होता कि काश किशनदा की तरह वह भी विवाह नहीं करते और समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित कर देते। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किशनदा का, बाल ब्रह्मचारी, बाल जति का मतलब बाल ब्रह्मचारी किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने हौज खास, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहीं ना कहीं जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। ये समय की प्रतिकूलता है कि जितने लोगों को उन्होंने खुद कभी शरण दी थी, अपने यहाँ रखा था, उनका ध्यान रखा, उन्हीं लोगों ने उनके बुरे समय में, किशनदा के बुरे समय में उनका साथ नहीं दिया, कोई आगे नहीं बढ़ा। और शायद इसीलिए यशोधर बाबू कहते हैं कि परिवार होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसकी चिंता में पहले ही अपने आगे आने वाले समय के बारे में सोच लेता है। लेकिन किशनदा, क्योंकि उनके किसी प्रकार का कोई परिवार उन्होंने नहीं बसाया, इसलिए वह काफ़ी स्वतंत्रतापूर्वक रहे और अंत में उनको इन परेशानियों का सामना करना पड़ा। आगे बात करते हैं, स्वयं यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और वैवाहिक जीवन बिताने के कारण ही, परिवार के दबाव के कारण यशोधर बाबू स्वयं भी उनसे ये प्रस्ताव नहीं रख पाए। और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुड़ जाता, सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा,
यानी पता नहीं क्या हुआ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति हम यहाँ देख रहे हैं। जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती कि पता नहीं वह किस कारण से मृत्यु को प्राप्त हुआ है, जिन्हें जाने क्या उसके साथ घटित हुआ होगा, उसके लिए या ये कह सकते हैं जिसके साथ परिवार नहीं रहा, उसके साथ उसके परिवार के कोई सदस्य उस समय नहीं थे, तो किसी ने उसकी खोज खबर लेना भी आवश्यक नहीं समझा। तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की जब मृत्यु होती है तो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो हुआ होगा, यानी कि किसी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है, मतलब उनका किसी प्रकार का कोई ऐसा स्रोत पता नहीं पड़ पाता कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है, वह व्यक्ति एक तरह से गुमनामी में ही इस संसार से विदा हो जाता है। यह जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना भी ज़रूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदास से सुनी हुई यह बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है, समय के साथ व्यक्ति में परिवर्तन आता है। इसके बाद आगे, यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुरापात की है, ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देख आना, कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा। सब तरह का जीवन किशनदा ने जिया था। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे, यह भी किशनदा से विरासत में मिला हुआ एक फिकरा है। किशनदा इसके साथ साथ ये कहते थे, जब तक स्वतंत्र है तब तक आप आनंद पूर्वक अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारियां आएगी तो फिर उनके अनुसार ही व्यक्ति को अपना जीवन जीना पड़ता है। जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं, उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था तो शायद मैं भी गधा पच्चीसी के लंबे दौड़ से गुजरता, और यही स्थिति मेरी भी होती यदि मैंने समय रहते अपने में बदलाव नहीं किया होता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले, यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं, तंज के रूप में कहते हैं, व्यंग्य के रूप में वह कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। इस बात को बच्चे भी अच्छी तरह जानते हैं। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन दोके चार करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने DDA फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु संभाव यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अब भी जस्ती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस। इस प्रकार किशनदा के जो आदर्श थे उनके अनुसार ही उन्होंने अपने जीवन को जिया, और उनका मानना था कि घर कौन बनाता है, केवल उसमें रहना चाहिए। सरकारी नौकरी करते समय तो केवल क्वार्टर में ही रहना ज़्यादा उपयुक्त है, घर के लिए पैसा क्यों बर्बाद किया जाए, और जब नौकरी पूरी हो जाए तो जहाँ अपना पुराना पुश्तैनी मकान है वहीं पर हमें लौट जाना चाहिए। ऐसी सोच के साथ हम लोग इस पार्ट को, इस क्लास को यहाँ पर हम विश्राम देते हैं। अब अगले मोड़ पर क्या होता है यशोधर बाबू के साथ, उनके पारिवारिक जीवन की गाड़ी किस तरह आगे बढ़ती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।